वी हैव डन अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में भाई साहब आपके क्या क्या थे, रेट ऑफ द रिएक्शन था. ठीक है, सो अगर वी कंसिडर अ जनरल रिएक्शन वेयर इन ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी इज बेसिकली गिविंग यू व्हाट, अ प्रोडक्ट. ठीक है, एक प्रोडक्ट दे रहा है आपको. तो रेट ऑफ द रिएक्शन एज पर रेट लॉ विल बी इक्वल टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई. ये आपका एज पर क्या है, रेट लॉ है. ठीक है, रेट लॉ है. और अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी. क्या है, समझ में आ रहा है, रेट लॉ के हिसाब से ये है और लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से ये होगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, पढ़ चुके हम. ठीक है, वेयर एन एक्स एंड वाई इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. द सम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स दैट इज एन, एन होता है क्या आपका एक्स प्लस वाई, और ये एक्स प्लस वाई आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है. ठीक है, दिस इज डिटरमिंड एक्सपेरिमेंटली. इस एन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो हेंस द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ. ठीक है, नॉट इन लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में यही फर्क है. रेट लॉ में जो आपका सम ऑफ पावर्स ऑफ द एक्सपोनेंट होगा वो आपका होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे बी 0, 1, 2, 3, ये कुछ भी हो सकता है, एंड इवन अ फ्रैक्शन. तो ऑर्डर भाई साहब आपका 0, 1, 2, 3 एनीथिंग प्लस फ्रैक्शन वैल्यूज भी ले सकता है, ये 1.5, 2.3 ऐसे वैल्यूज भी ले सकता है. ठीक है, अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन नेवर गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो पहली बात ये बताइए कि आपका जो रेट लॉ है, देखिए देखो कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से समझिए इस रिएक्शन को. समझो भाई साहब ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी इज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, नाउ व्हाट एवर द प्रोडक्ट्स मे बी. ठीक है, तो अपने दो चीजें होती हैं भाई साहब, एक होता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, रेट लॉ. ठीक है, रेट लॉ. अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ जाते हैं तो रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू के इंटू ए ऑफ अल्फा, सॉरी ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी. ठीक है, क्लियर होगा. ओके, रेट लॉ के हिसाब से रेट क्या हो जाएगा भाई साहब, के इंटू ए रेस टू एक्स या अल्फा लिख सकते हैं, बी रेस टू वाई. अभी आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई. बताओ यहां पे ये दो अलग अलग चीजें क्यों ले गई है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, हम अगर सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को देखेंगे तो हम बोल नहीं सकते रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि भाई साहब कभी कभी रिएक्शंस, और ज्यादा करके आपके जो रिएक्शंस होते हैं, जो आपके क्या होते हैं भाई साहब, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं. एलिमेंट्री रिएक्शंस एक स्टेप में जो हो जाते हैं उनके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्टेप में नहीं होते हैं, जो एक से ज्यादा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म से हमको पता चलता है कि भाई साहब एक से ज्यादा स्टेप इसी रिएक्शन का हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है देन वी हैव टू कम बाई रेट लॉ, देन वी कैन नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन, देन वी हैव टू कम बाई रेट लॉ. ठीक है, तो इसीलिए रेट लॉ की भाई साहब आवश्यकता है. रेट लॉ आपका कुछ भी हो सकता है, दीज मे बी कंजिकेटिव रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2. तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस से अगर आपका कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, उन सारे सीक्वेंस में हम देखेंगे कि कौन सा सबसे स्लोएस्ट है, और वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा. ठीक है, सो अगर हम देखते हैं भाई साहब द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, आपका भाई साहब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होगा क्या, द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वैलिड बोथ फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. एलिमेंट्री रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होंगे ज्यादा करके, एक ही स्टेप में भाई साहब उनका खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे. लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, हमने देखा भाई साहब उस दिन कि रिएक्शंस आपके दो टाइप के होते हैं. रिएक्शंस आर बेसिकली एलिमेंट्री व्हिच हैपन और टेक प्लेस ओनली इन वन स्टेप, एंड द अदर इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन व्हिच हैपन इन मोर देन वन स्टेप. ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज वैलिड फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हैज टू बी ऑलवेज डिटरमिंड एक्सपेरिमेंटली. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन आपका डिटरमिन होता है रेट लॉ से, और रेट लॉ से एक्स और वाई भाई साहब आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हो सकता है. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल. ठीक है,
सो यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट. अगर आपका भाई साहब समझो फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, हमने देखा उस दिन एन ए लेट्स से प्रोडक्ट है, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा ए रेस टू एन. तो आपका k क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए रेस टू एन. द डायमेंशंस ऑफ k आर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वन माइनस एन एंड टाइम पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो अगर भाई साहब आपका समझो यहां पे आपका रेट है, रेट है के कोई प्रोडक्ट है वो रेस टू एन है. इस प्रोडक्ट का भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ओए तू इधर बहुत हंसी आ रही ना तेरे को, हाँ इधर इधर, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन. दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर. और ये हो गया आपका रेट, दिस इज रेट इज इक्वल टू के, दिस इज पावर ऑफ एन. अभी यहां पे रेट क्या हो जाएगा भाई साहब, रेट हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा रेट, दिस विल बी इक्वल टू के, और ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन. ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये नीचे आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सो के की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया एन, वन माइनस एन टाइम रेस टू वन. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो अगर हम बोल रहे हैं कोई रिएक्शन है, लेट से देर इज अ रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर है क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज लेट से एन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेट विल बी इक्वल टू के ए रेस टू एन. यहाँ पे ए रेस टू एन मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ही है ना भाई साहब, रेट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, ये क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन आप अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे नॉर्मैलिटी से, कहीं पे मोलैरिटी से, ज्यादा करके इस केस में आपके मोलैरिटी से कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट होगा. तो रेस टू एन हो गया ये, इस कॉन्सेंट्रेशन को भाई साहब इधर लाओ, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस्ड टू एन, और यहां पे टाइम, ठीक है, यहां पे टाइम, दिस विल बी इक्वल टू के. तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन, ये भाई साहब वन है ना, वन है, नीचे क्या है एन है, तो कॉन्सेंट्रेशन वन माइनस एन एंड टी रेस टू माइनस वन. जिसको आप क्या लिख सकते हैं, के को हम लिख सकते हैं भाई साहब जैसे कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी रेस टू वन माइनस एन टाइम दैट इज सेकेंड्स, टाइम भाई साहब सेकेंड्स रेस टू माइनस वन. क्लियर है, समझ में आ रहा है, फॉर फॉर एन nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एन nth ऑर्डर रिएक्शन भाई साहब आपका रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू मोल, इसका यूनिट ठीक है, वन माइनस एन और पर सेकेंड. ठीक है, सो दिस विल बी द SI यूनिट, दिस विल बी द SI यूनिट फॉर अ nth ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो इसीलिए देखो ऑर्डर के हिसाब से आपका यूनिट यहां पे चेंज होगा. ठीक है, रिएक्शन का जो रेट होगा, ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो शायद वही रहे, लेकिन रिएक्शन कांस्टेंट का जो वैल्यू है इन यूनिट्स वो चेंज होता रहेगा, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग एज पर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, ओके, सो एन इज द ऑर्डर, टेकिंग एसआई यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर टाइम, द के फॉर डिफरेंट रिएक्शंस आर लिस्टेड. ठीक है, आप अलग अलग रिएक्शंस का देखोगे, देखो जैसे अगर आपका जीरो ऑर्डर रहा, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या आया, के की वैल्यू भाई साहब क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई भाई साहब मोलैरिटी रेस टू माइनस वन, सॉरी मोलैरिटी रेस टू कितना आ गया भाई साहब, वन माइनस एन एंड सेकेंड रेस टू माइनस वन, यही है ना भाई साहब. ठीक है, मोलैरिटी रेस टू वन माइनस एन एंड सेकेंड, इस मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर रेस टू वन माइनस एन पर सेकेंड. ठीक है, अभी फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू कितनी होगी बोलो, जीरो. अगर एन की वैल्यू फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, जीरो. तो रिएक्शन रेट की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, और यहां पे हो गया आपका वन माइनस जीरो पर सेकेंड, सो दैट विल बी मोल्स पर लीटर, और ये हो गया पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? इसी जैसे आप देखिए भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर, वन माइनस वन हो गया क्या आपका, जीरो, एंड एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो इज वन. तो ये पूरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वन हो जाएगा, और पर सेकेंड रह जाएगा, देखो पर सेकेंड. ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर है भाई साहब, सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, मोल्स, और ये हो गया भाई साहब आपका वन माइनस टू और पर सेकेंड, तो मोल्स हो गया माइनस वन पर सेकेंड, मतलब मोल्स पर लीटर
ये हो गया माइनस वन और ये हो गया पर सेकेंड, है ना, मोल्स पर लीटर हो गया माइनस वन। तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, दिस विल बी मोल्स, ये हो गया पर, और यहाँ पे लीटर देखो माइनस वन है और यहाँ पे बाहर भी भाई साहब कितना है माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस वन, है ना, तो ये हो गया भाई साहब लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल्स पर लीटर सेकेंड, क्लियर है। इसी तरह से भाई साहब nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मोल्स मोल्स रेस टू मोल्स पर लीटर रेस टू, अभी देखो हम इसको अलग से लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो ये आपका k का जो यूनिट है वो क्या है, मोल्स पर लीटर वन माइनस एन और s, ठीक है, मोल्स पर लीटर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मोल्स को हमने लिखा वन माइनस एन, लीटर को माइनस वन है, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू वन माइनस एन कितना हो जाएगा भाई साहब, एन माइनस वन हो जाएगा, सो ये हो गया लीटर एन माइनस वन पर सेकेंड, ये हो गया आपका के, के का वैल्यू, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है। एज पर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स फॉर कॉन्स्टेंट के विल ऑल्सो चेंज, द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स फॉर कॉन्स्टेंट के विल ऑल्सो चेंज एज पर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन, ओके। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब, अगर आपका गैसियस रिएक्शंस हैं तो गैसियस रिएक्शंस में मोल्स पर लीटर तो हो नहीं सकता, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वहां पे आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस द कॉन्सेंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इन द यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के यूनिट्स में भाई साहब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे जैसे हम लिखते थे ना मोल्स, ठीक है, मोल्स वन माइनस एन, वन माइनस एन पर सेकेंड, ये हो गया किसका भाई साहब, यूनिट, ठीक है, यूनिट हो गया इसका। तो इसी चीज को अभी हम क्या लिखेंगे, अगर अगर भाई साहब आपका लिक्विड में रिएक्शन हुआ है तो मोल्स वन माइनस एन और एस रेस टू माइनस वन इसका यूनिट होगा, ठीक है, मोल मतलब मोलारिटी मतलब मोल्स पर लीटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी मोल्स पर लीटर वन माइनस एन एस रेस टू माइनस वन, ये होगा यूनिट इसका, ठीक है। अगर गैशियस है तो इस जगह पे आप सिर्फ एटमॉस्फेयर डाल दोगे, ये जो मोलारिटी है उसकी जगह पे आप एटमॉस्फेयर डाल दोगे। सो इन केस ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, व्हाट विल हैपन, के की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर वन माइनस एन एस रेस टू माइनस वन, ये हो जाएगा इसका यूनिट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर जीरो ऑर्डर में मतलब यह आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, वन माइनस जीरो, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अगर भाई साहब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो ये हो गया पर सेकंड, देखो पर सेकंड आ जाएगा। अगर आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, तो एटमॉस्फेयर रेस टू माइनस 1 एंड सेकंड रेस टू माइनस 1। अगर आपका भाई साहब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, तो एटमॉस्फेयर रेस टू माइनस 2 एंड सेकंड रेस टू माइनस 1। तो nth ऑर्डर का रिएक्शन का क्या हो जाएगा भाई साहब, nth ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिट है, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, नाउ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा भाई साहब, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे, टेम्परेचर पे एंड वेदर एनी अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट हैज बीन यूज्ड, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, मितेश यहाँ पे है तू, अच्छा ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा, किस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे यहां पे देखो सवाल है, सवाल पे सवाल है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे देखो आपको एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल रेट मेथड, आपको यहां पे NO दिया हुआ है प्लस H2, ये बना रहा है N2 प्लस 2H2O, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेंड, NO का भाई साहब 5 × 10⁻², फॉर अ रिएक्शन द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेंड 5 × 10⁻³ - 3 H2 भाई साहब मोल्स पर लीटर कितना है, ठीक है, 2.5 × 10⁻³, बट ऑब्वियसली बात है कि आपको यहां पे दिख रहा है ये 2NO है और ये 2H2 है, ठीक है, तो यहां पे 5 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर है और ये 2.5 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर है। रेट ऑफ द रिएक्शन कितना आया भाई साहब, 3 × 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। मुझे बता सकते हो इसका यूनिट देखकर कौन सा इसका कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मोल्स पर लीटर यूनिट देखकर ही आपको बताना है मोल्स पर लीटर पर सेकंड कब हो जाएगा भाई साहब आपका। देखो आपका nth ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन और ये पर सेकंड, यहां पे तुम्हारा कितना आ रहा है मोल्स पर लीटर, मतलब ये कितना होना चाहिए 1,
नहीं, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो दिस विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? सो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? जीरो, तभी जाकर आपका आएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अज्यूमिंग रेट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू के एन ओ, अभी यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर ही आएगा, बट वी आर प्रूविंग हियर, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर आपने इतना मोल्स इसका लिया, इतना मोल्स इसका लिया, तो रेट इतना होगा। इनिशियल रेट है ये भाई साहब, ठीक है? दिस इज बेसिकली इनिशियल रेट। मतलब अगर आपने इतना मोल्स एनओ का लिया और इतना मोल्स आपने एच टू का लिया, तो आपका रेट कितना होगा? इतना। अगर आपने इतना मोल्स एनओ का लिया और इतना आपका भाई साहब एच टू का लिया, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, रेट, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, देखो इस चीज को समझो, इस डेटा को समझो, 5 और 2.5 है, तो मतलब इसका डबल है ऑलमोस्ट। अभी आपने क्या किया, इस 2.5 को सेम रखा, इसको भाई साहब क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है? इसके बाद वाले में डेटा में आपने क्या किया, इसको सेम रखा और इसको भाई साहब आपने 2.5 मतलब यहाँ पे भाई साहब 10 कर दिया, ठीक है? 2.5 का भाई साहब आपने क्या कर दिया यहाँ पे 10। आर वी गेटिंग दिस? 4 times ले लिया आपने इसका। समझ में आ रहा है डेटा? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिंपल डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे अभी आपने इसको कॉन्स्टेंट रखा और इसके मोल्स पर लीटर को आपने क्या कर दिया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को 3 times बढ़ा दिया। यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंट रखा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को आपने कितने में बढ़ा दिया, 4 times बढ़ा दिया, ठीक है? तो क्या रेट पे असर आया, ठीक है? इस पे रेट पे क्या, जब आपने इसको 3 times पे बढ़ाया, देखो डेटा को देखकर ही आप बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? देखो आपने जब इसको बढ़ाया कितना, 3 times, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना बढ़ा, 3 times। जब आपने इसको कांस्टेंट रखा और इसको बढ़ा दिया 4 times, रेट ऑफ द रिएक्शन कितना बढ़ गया, देखो देखो ध्यान से देखो, 9 × 10⁻⁵ है और यहां पे कितना है, 3.6 × 10⁻⁴ है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3.36 × 10⁻⁵ लिख सकते हो। मतलब इसका क्या हो गया, 4 गुना हो गया ये, ठीक है? मतलब आपका, अभी बताओ मेरे को रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट एनी कैलकुलेशन तुम बता सकते हो, विदाउट एनी कैलकुलेशन भाई साहब, तुम अगर इसको 3 गुना बढ़ा रहे हो, तुम्हारा रेट ऑफ द रिएक्शन कितना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है। इसको 4 गुना बढ़ा रहे हो, कौन से को, H2 को, तो तुम्हारा रेट ऑफ द रिएक्शन किसपे बढ़ रहा है, 4 गुना। मतलब तुम्हारा रेट इस पे जितना डिपेंड करता है, उसमें भी इतना डिपेंड करता है, दैट इज टू द पावर ऑफ 1 इस पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, टू द पावर, भाई तुमने अगर 3 गुना इसको बढ़ाया है तो तुम्हारा रेट 3 गुना बढ़ गया, तुमने अगर 4 गुना इसको बढ़ाया तो तुम्हारा रेट 4 गुना बढ़ गया। मतलब तुम्हारी डिपेंडेंसी दोनों पे क्या है, 1:1 पे, ठीक है, क्लियर है? सो बाई एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस 1 and 2, we see that H2 is constant. यहाँ पे देखो भाई साहब, H2 आपका क्या है, constant है, and NO is tripled. तो आपने भाई साहब NO को triple किया, तो आपका rate क्या हो गया, triple हो गया. The rate is also tripled. तो आपका भाई साहब rate as per as NO, X की value क्या इतना हो जाएगी भाई साहब, 1 हो जाएगी, है ना? देखो भाई साहब, NO को अगर आप 3 times बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा rate क्या बढ़ रहा है, 3 times बढ़ रहा है, तो एनओ के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी कितनी की हो जाएगी, 1 की, पर 1 ये 1 बढ़ता रहेगा भाई साहब, ठीक है? ओके, फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस 2 and 3 वी सी दैट एनओ इज कांस्टेंट। भाई साहब यहाँ पे क्या है, एनओ कांस्टेंट है, इसको आपने बढ़ाया कितना, 4 गुना, उधर भी कितना बढ़ गया रेट आपका, 4 गुना। तो जितना आप बढ़ाएंगे इधर, उतना ही बढ़ेगा इधर, ठीक है? सो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 इज इंक्रीज 4 times, रेट ऑल्सो इंक्रीज 4 times, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 raised to 1, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनओ रेस टू 1। सो रहा है तू देवजी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनओ रेस टू 1 एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 raised to 1। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के एन ओ एच टू ओ। आर वी क्लियर? आपको डेटा देखकर समझना है भाई साहब, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डेटा देखकर आपको समझना है कि यहाँ पे क्या क्या, क्या ये समझ में आया सबको, एज एवरीबडी अंडरस्टूड इट और रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड, नो, ठीक है? तो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, एनओ रेस टू 1 हो गया, एच टू रेस टू 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, ठीक है? क्लियर है? एक्सपेरिमेंट, देखो तुमको क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर को तुम कभी भी एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन करना है, तुम्हारे ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है और तुमने उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया, तो तुम्हारा ये रहेगा ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1, दैट इज 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, अभी आपको यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आपने एक बार ऑर्डर को डिटरमिन कर लिया, तो रेट कांस्टेंट शुड बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है? रेट कांस्टेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, एनओ रेस टू 1 एंड एच टू रेस टू 1। किसी भी डेटा को उठा लो, इसको भी उठा सकते हो, इसको भी, ठीक है? यहाँ पे रेट तुमको कितना दिख रहा है, 3 into
10^5, ठीक है। यहाँ पे आपका रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, के, और यहाँ पे NO, NO मतलब हो गया तुम्हारा, इसको डालो 5 × 10^-3, और ये कितना है भाई साहब 2.5 × 10^-3, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2.5, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 2.4, K की वैल्यू होगी 2.4, और आपका क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, तो बताओ मेरे को रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आ जाएगा। ये वैल्यू समझ में आया 2.4, क्या ये वैल्यू समझ में आया बोलो, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर 1 − n/s, तो ये हो जाएगा भाई साहब मोल्स पर लीटर 1 − 1, तो ये हो गया -1, और ये हो गया पर सेकेंड, सो दिस विल बी मोल्स पर 1, ये हो गया लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल्स 2.5 सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। अच्छा यहाँ पे इनिशियल रेट फाइंड करने को बोला, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब 2.4 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पोल्स पर मोल्स लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन NO2 × H2 = 8 × 10^-3, इनिशियल रेट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द इनिशियल रेट, अगर आपका भाई साहब NO और H2 भाई साहब बराबर है, दैट इज 8 × 10^-3, बताइए कैसे निकालेंगे इसको हम, 8 × 10^-3 है इनिशियल रेट, KNO × H2 दैट इज 2.4 × 8 × 10^-3, 8 × 10^-3, सो दिस विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। चलिए भाई साहब इसको जरा निपटाइए फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक, इजी है भाई साहब, पेन उनकी भी जरूरत नहीं है, पेन कहाँ है, नोटबुक कहाँ है, दिमाग कहाँ है, वो पहले ढूंढ लो भाई साहब, सब बात की एक बात, ओके। फ्रॉम द रेट लॉस फॉर द रिएक्शंस गिवन बिलो डिटरमिन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच स्पीशीज, तो आप देखो ये वाला इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज 2HCrO4- + 6I- + 14H+, ठीक है, दिस इज गिविंग यू वॉट 2Cr3+ + 3I2+ 8H2O, ठीक है। तो रिएक्शन के स्पीशीज पे भाई साहब, ठीक है, रिएक्शन के यहां पे आपको रेट दिया हुआ है, रेट ये आपका रेट लॉस है, ये दिस इज इक्वल टू के HCrO4-, ठीक है, यहां पे I माइनस आपका स्क्वायर, और यहां पे H प्लस आपका भाई साहब रेस टू स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है। तो भाई साहब द रेट, ठीक है, फ्रॉम द रेट लॉस फॉर द रिएक्शन, ये रेट लॉ के हिसाब से गिवन बिलो डिटरमिन द ऑर्डर, तो यहां पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच स्पीशी, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एच सी आर ओ फोर माइनस, इसका भाई साहब ऑर्डर कितना हो जाएगा, अरे बोलो भाई साहब ये क्या है, 1 ही तो है, 1, ठीक है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I माइनस, ये कितना हो जाएगा बोलो 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एच प्लस, ये क्या हो जाएगा बोलो 2, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा 1+2+2, दैट इज 5, दिस विल बी द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। पेंसिल कहाँ है, पेन कहाँ है, नोटबुक कहाँ है, अमन गुप्ता पता नहीं कहाँ है भाई साहब, ठीक है, सवाल देने की पता नहीं लड़ाई पे जा रहे हैं भाई साहब, ओ इसको मारना है, अरे वो कहाँ है, अरे इसको कॉल कर, इसको कॉल कर, इसको बुला भाई साहब, किसी को ठोक कर आना है भाई साहब। H2O2+2I- + 2H+, ये आपका क्या बना रहा है भाई साहब I2+2H2O, ठीक है, रेट लॉ के हिसाब से आपका रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है,
रेट इज इक्वल टू के, ये कितना हो गया H2O2 और ये हो गया भाई साहब I माइनस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। H2O2 का भाई साहब यहाँ पे क्या है 1 और ये का I का माइनस कितना हो गया भाई साहब 1, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू H2O2, रेट विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 ये कितना हो जाएगा बोलो 1, रेट विथ रिस्पेक्ट टू I माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो 1, ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा भाई साहब 1+1 दैट इज 2, खत्म भाई साहब पानी, इतना ही करना था, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्या देख रहे तू मोबाइल देख रहे तू, दे दे, नहीं संभाला जा रहा ना भाई साहब, बड़ी गिरा होता रे, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। देवजीत डन 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 भाई साहब यहां पे देखो रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यहां पे रिएक्शन दिया हुआ रेट, ठीक है, रिएक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा रेट, ठीक है, इज इक्वल टू के, ठीक है, इज इक्वल टू के इनटू जितना भी रहेगा आपका भाई साहब यहां पे, दिस विल बी N2O5 रेज टू एक्स, है ना भाई साहब, ये होगा वेयर एक्स भाई साहब आपको डिटरमिन करना है अभी कितना होगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब ये के, के की वैल्यू दी हुई है कितनी है भाई साहब 2.4 इंटू 10^-5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तेजस बता मेरे को जल्दी जल्दी कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसका ऑर्डर क्या होगा भाई साहब, रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर बता सकते हैं आप क्या ऑर्डर होगा रिएक्शन का, क्यों जीरो बाजू वाले ने बोला एन जीरो क्यों होगा, जीरो क्यों होगा वही तो पूछ रहा हूं। ओके भाई साहब यूनिट क्या होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट भाई साहब कितना होता है मोल्स पर लीटर 1-N/s ये होता है भाई साहब, ठीक है। तो अगर आपका आ रहा है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आ रहा है तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन यू कैन वेरी वेल से दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस ऑर्डर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अभी जीरो ऑर्डर है ये, ठीक है, इट इज बेसिकली अ जीरो ऑर्डर। तो रेट आपका भाई साहब इफ द रेट इज दिस मच, ठीक है, देन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन मोल्स पर लीटर ये कितना हो जाएगा बोलो, बोला 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 जल्दी से बोला, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ द रेट इज हाउ मच 2.4 इंटू 10^2 द रेट कॉन्स्टेंट हो गया ये भाई साहब रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट, देन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इफ द रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट कितना, अरे पर सेकेंड है यार, शिट भाई साहब हमने पूरा पूरा गलत कर दिया, यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस मच, सॉरी रेट कॉन्स्टेंट है आपका भाई साहब, ये के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10^-5 पर सेकेंड है, ये रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कब ऐसा होगा बोलो ना, बोलो कब होगा भाई साहब, जब एन की वैल्यू क्या हो जाए, जब एन की वैल्यू हो जाए 1, ठीक है, एन की वैल्यू अगर भाई साहब 1 हो गई तो ये 0 हो गया पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाउ मच, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर 1 है तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, रेट इज इक्वल टू के N2O5 एंड दिस इज रेज टू 1, क्लियर हम क्लियर हम क्लियर हम पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2.4 इंटू 10^-5 मोल्स
पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू के, दैट इज हाउ मच, 3 × 10⁻⁵ पर सेकेंड, और ये हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5⁻¹, ठीक है। तो अभी भाई साहब आपका पर सेकेंड कैंसिल, 3 × 8 = 24, 0.8, तो ये हो गया 0.8 × 10⁻⁵, 10⁻⁵ भी कैंसिल, मोल्स पर लीटर, दिस विल बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, N2O5 इज इक्वल टू 0.8 मोलारिटी हो गई भाई साहब इसकी, ठीक है, 0.8 मोलारिटी हो गई। बहुत हंसी आ रही है तुमको, दिस विल बी 0.8, क्लियर है? चलो भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस फॉलोज द चेंज, यहां पे 2NH3 का क्या बन रहा है भाई साहब, N2+3H2 बन रहा है, ठीक है। व्हाट डज -dNH3/dt डिनोट, आई बाबू ये क्या डिनोट करेगा, -dNH3/dt, हाँ क्या पता, व्हाट डज दिस डिनोट, डिनोट क्या कर रहा है ये, यहां जाना या यहां जाना है भाई साहब, तुम्हारा जीवन उसी में फंसा हुआ है अभी, ठीक है। dNH3/dt ये क्या डिनोट करेगा भाई साहब, 2NH3N2+3H2, ठीक है, -dNH3/dt ये क्या डिनोट करेगा भाई साहब, ये, अरे ये क्या डिनोट करेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा ना भाई साहब, दिस विल डिनोट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जो भी है डिकम्पोजिशन ही दिख रहा है आपको। What does dN2 and dH2 by dt denote? अरे भाई साहब रेट इस रिएक्शन क्या 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 होगा बोलो, 1/d/d, यहां पे है आपका NH3, ठीक है, 1/2 dt, दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस में होगा सॉरी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डी N2/dt, दिस विल बी इक्वल टू dH2/3 dt, नहीं भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो व्हाट डज दिस डिनोट, dNH3/2 dt, ये भाई साहब क्या डिनोट करेगा, दिस विल डिनोट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, द रेट ऑफ फॉर्मेशन dN2/dt, ये क्या डिनोट करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एंड dH3/2 dt, ये भाई साहब क्या डिनोट करेगा, दिस विल बेसिकली डिनोट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, अगर आप इसको ले रहे हैं, dH2/dt विल डिनोट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, दिस विल डिनोट व्हाट पीपल, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, एंड दिस विल डिनोट व्हाट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, ओके। इफ द डिकम्पोजिशन इज जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है भाई साहब, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, जीरो। देन व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ के इज इक्वल टू दिस मच, भाई साहब के की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2.5 × 10⁻⁴, ठीक है, ओके। इफ द डिकम्पोजिशन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, व्हाट इज आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, डिकम्पोजिशन आपका भाई साहब जीरो ऑर्डर का है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, ये वाला रिएक्शन होगा, देखो -½dNH3/dt विल बी इक्वल टू दिस, है ना, ये हाफ कहां से आया, इस 2 से आया देखो यहाँ पे, ठीक है, और ये N2 है भाई साहब, यहाँ पे dN2/dt हो गया, ये 1/3dH2/dt हो गया, क्लियर है, ओके। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dNH3/dt, इफ द डिकम्पोजिशन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है, देन व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ के इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे किसी को भी उठा लो, dN2/dt, ठीक है, dN2/dt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 × 10⁻⁴, यहां पे दिया हुआ है क्या, moles per second, ठीक है, N2, H2 का भाई साहब क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt,
तो अगर आपको भाई साहब DH2/DT निकालना है, अरे बोलो ना भाई साहब कैसे करेंगे इसका DT, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इस 3 को इधर ले लेंगे, तो ये हो गया कितना 7.5 × 10⁻⁴ मोल्स पर सेकेंड। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सो DH2/DT कितना हो जाएगा आपका 7.5 × What are the rates of production of N2FK is equal to this? If the rate obeys this, ठीक है, what will be the order of decomposition of NH3? अगर भाई साहब rate आपका ये है, ठीक है, dNH3/dt K1NH3 1+K2NH3, what will be the order for decomposition of NH3 if NH3 is very less? भाई साहब अगर आपका NH3 बहुत ज़्यादा less है, ठीक है, तो इसको हम ignore कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम K1 dNH3/dt will be equal to K1 × NH3 कर सकते हैं, ठीक है? Is very less. NH3 is very high. अगर भाई साहब NH3 बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा 1+K2/NH3। तो यहाँ पे देखो DNH3, ठीक है, इफ NH3 ओके, इफ NH3 इज वेरी लो, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत लो रहेगा, then K2NH3 can be neglected, क्योंकि यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, देखो माइनस डी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया दैट विल बी इक्वल टू K1, ये हो गया NH3, ठीक है, 1+K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब यहां पे दिया जा रहा है क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज वेरी लो, तो इस फैक्टर को हम भाई साहब इग्नोर कर सकते हैं, दिस फैक्टर कैन बी इग्नोर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी डी एन एच थ्री बाई डी टी, दैट इज डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू K1 × NH3। अगर हमने भाई साहब इसको जीरो मान लिया तो दिस विल बी हाउ मच, K1 × NH3, ठीक है, दैट इज इट्स अ वॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है इसका 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, इफ NH3 इज वेरी हाई, we neglect unity as compared to NH3, तो हम भाई साहब इसको neglect कर रहे हैं with compared to NH3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, dNH3/dt will be equal to K1 NH3 K2 NH3, दोनों का भाई साहब cancel, K1 by K2 which will again be a constant, और अगर ये constant है तो इसका मतलब order क्या हो जाएगा, obviously zero हो जाएगा, क्योंकि order यहाँ पे NH3 raised to zero होगा तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, so it can be seen that the rate is constant, a characteristic of zero order reaction, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड पीपल? अगर आपका यहां पे दिया हुआ है dNH3/dt ओबेस K1 NH3 1+K2 NH3, dNH3 भाई साहब यहां पे dNH3/dt इट इज इक्वल टू K1 × NH3 / 1+K2 × NH3। अभी आपका पहला कंडीशन क्या है यहां पे भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज वेरी लेस, अगर ये बहुत ज्यादा लेस है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं, वी कैन बेसिकली कंसीडर दिस टू बी जीरो। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस डी डी NH3/dt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, K1, ठीक है, बाई K1 NH3, और यहां पे इसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं, तो 1+0 हो गया, दैट विल बी K1 NH3। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आपको यहां पे NH3 का पावर कितना दिख रहा है, 1। अगर पावर आपको 1 दिख रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे भाई साहब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज N विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर भाई साहब ये बहुत ज्यादा है, दैट इज NH3 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो इन दैट केस माइनस डी NH3/dt दिस विल बी इक्वल टू K1 by NH3 K1 into NH3 upon K2 into NH3, तो इसमें भाई साहब दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, K1 by K2 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू अ लेट्स से कांस्टेंट। लेकिन यहां पे अगर ये सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब अमोनिया के किसी भी रेस टू से ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, अमोनिया के किसी भी रेस टू से अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो। सो दिस विल बी अ बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया।
ठीक है जाइए। हाँ